हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो एक काउंसलिंग वीडियो है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि 10th क्लास के बाद वो क्या चीजें चूज कर सकते हैं, किन स्ट्रीम्स में जा सकते हैं और क्यों, क्या चीजें उनको पढ़नी पड़ेंगी आगे चल करके, 12th क्लास के बाद क्या स्कोप है, वो चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले आपको एक फैक्ट बता देता हूं, 95% स्टूडेंट्स हमारे देश के ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि 10th क्लास के बाद क्या करें। या तो वो फैमिली प्रेशर में आकर के, यानी कि पेरेंट्स के कहने पर कोई चीज चूज करते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स को कॉपी करते हैं, उनकी देखा देखी जाकर के स्कूल में उसी स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं, या फिर टीचर्स के ऐसे फोर्स करने से कि आपके नंबर इतने हैं तो आपको साइंस चूज करनी है, आपके नंबर इतने हैं तो आपको कॉमर्स चूज करना है। बेसिकली आपको बताने वालों को भी नहीं पता होता कि अगर आप इसको ये स्ट्रीम दिला रहे हो आगे चल करके ये करेगा क्या, क्योंकि सिर्फ पढ़ने के लिए कि आपको डिग्री चाहिए उससे अब बात नहीं बनने वाली है। आगे चल करके 5 से 7 सालों के बाद अपने आसपास आप एक प्राइवेट वर्ल्ड देखेंगे जहां पर सिर्फ आपका टैलेंट आपकी हेल्प कर सकता है, और टैलेंटेड होने के लिए आपका इंटरेस्टेड होना बड़ा जरूरी है। तो कोई भी चीज अगर आप चूज करें अपने लिए तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट को जनरेट करें, देन उस चीज को आप पिक करें। तो समझा रहा हूं आपको मैं यहां पर कि क्या चीजें होती हैं 10th क्लास के बाद, कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद जब आप 12th क्लास के बाद जाएंगे, इस दुनिया में एंट्री करेंगे, कॉलेज वर्ल्ड में जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें ऑफर की जाएंगी वो चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप 10th क्लास को पास करते हैं, आपके 90% है, 80% है, 70% है, डजंट मैटर। 90% वाला साइंस लेगा, 80% वाला कॉमर्स लेगा, 50% वाला आर्ट्स लेगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड में डाल दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप अपने आप को स्ट्रांग रखें अपनी पोजीशन पर। तो 10th क्लास के बाद आपको बेसिकली 3 चीजें ऑफर की जाएंगी, आपको साइंस स्ट्रीम ऑफर की जाएगी, आपको कॉमर्स स्ट्रीम ऑफर की जाएगी, और आपको ह्यूमैनिटीज या फिर आप उसको आर्ट्स भी कह सकते हैं, ये 3 चीज आपको ऑफर की जाएंगी। साइंस में आपके पास 2 ऑप्शन रहती हैं, मेडिकल लाइन आपके पास मेडिकल की ऑप्शन रहती है, नॉन मेडिकल की आपके पास ऑप्शन रहती है। सब्जेक्ट से अगर बात करूं स्टूडेंट्स, मेडिकल स्ट्रीम में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, और बायोलॉजी पीसीबी का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना पड़ता है। नॉन मेडिकल के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि पीसीएम पढ़ना पड़ता है। मेडिकल अगर आप चूज करते हैं तो 12th क्लास के बाद आपको मेडिकल साइड के कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। आप अगर आपको टीचिंग करनी है तो बीएससी मेडिकल साइंस में करेंगे, आप पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है इसमें आपको मेडिकल लाइन की ही देखने को मिलेंगी। चाहे वो कोर्सेज हैं डॉक्टर लाइन के, आप कोर्सेज कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, एमएस, तमाम चीजें आप जो है वो मेडिकल स्ट्रीम की कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीट क्लियर करना होगा, अगर आपको अच्छे कॉलेज में, रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। अगर आप नॉन मेडिकल आपने चूज किया है तो आप आईआईटी के लिए जा सकते हैं, IIT के लिए जा सकते हैं, जहां पर आपको बीटेक करने को मिलेगी अच्छे रेप्यूटेड गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। अगर आप इन दोनों चीजों का चूज करते हैं और आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो फिर आपको बीएससी करनी होती है आफ्टर 12th, और उसके बाद आपको एमएससी करनी होती है, देन बीएड, अब तब आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अदरवाइज ये मेडिकल चीजें आपको प्रोवाइड कराएगी, मेडिकल की स्ट्रीम में मेडिकल के कोर्सेज आपको ऑफर किए जाएंगे आफ्टर 12th। नॉन मेडिकल में आपको टेक्निकल कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। नॉन मेडिकल अगर आप लेते हैं तो गवर्नमेंट सर्विसेज में आपके पास एनडीए की अपॉर्चुनिटी रहती है, यहाँ पर डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी रहती है, आप और भी कई सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जिनके बाद आप अलग अलग पोस्ट पर नेवी में, एयरफोर्स के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे, बेसिकली पीसीएम जिन्होंने चूज किया है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है इनमें। अब बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर आपको अकाउंटेंसी पढ़ना पड़ता है, बिजनेस स्टडीज एक सब्जेक्ट होता है, और इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है। तो 3 सब्जेक्ट्स पर कॉमर्स सब्जेक्ट चलता है, पूरा का पूरा स्ट्रीम इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि 12th के बाद अगर आपको सीए करना है, सीएस का कोर्स करना है अगर आपको, तो अगर आपको बैंकिंग में जाना है, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में जाना है, तो आपके लिए कॉमर्स जरूरी हो जाता है उन कंडीशंस में, अगर आपको अपने लिए वो वाली फील्ड चूज करनी है तो। तो कॉमर्स में आप बैंकिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, तो ये चीजें कॉमर्स की है। ऐसा नहीं है कि साइंस सबसे ऊपर होता है, कॉमर्स उसके बाद होता है, दोनों इक्विवेलेंट है, डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको फ्यूचर में क्या बनना है। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो फिर आप कॉमर्स में आपको बीकॉम की ऑप्शन मिलेगी, बीकॉम करने के बाद आप एमकॉम कर सकते हैं, देन बीएड कर सकते हैं, फिर आप कॉमर्स के टीचर बन सकते हैं। वो पैटर्न सभी में सेम चलेगा, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसका नाम बीएससी है, यहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे उसका नाम बीकॉम है। अब आते हैं ह्यूमैनिटीज आर्ट्स में,
अगर हमारे देश के अंदर 75-80% कैंडिडेट्स ऐसे हैं, अगर किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है 12th क्लास के बाद डायरेक्टली, तो वो आर्ट्स स्ट्रीम को चूज कर लेते हैं। वहां पर थोड़ी आसानी हो जाती है, आप एसएससी या उसके लिए 12th क्लास के बाद कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो बच्चे चूज करते हैं साइंस या कॉमर्स, वो फिर बीटेक या मेडिकल चीजों की तरफ भागते हैं। यहाँ पर बच्चे जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको 12th करते ही जॉब चाहिए, तो वो इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। अगर बात करूँ दूसरी चीजों की, तो तमाम चीजें एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए आप आर्ट्स लेकर के भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उसके बीच में। यूपीएससी क्रैक करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कैंडिडेट्स आर्ट्स स्ट्रीम को चूज करते हैं 10th क्लास के बाद, ऐसा हमारे देश के अंदर देखा गया है। ये आंकड़े हैं कि 70-80% स्टूडेंट्स जो है वो यूपीएससी क्रैक करने वाले आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो फिर यहाँ से आपको बीए जो है वो करना होगा, बैचलर इन आर्ट्स। ओके, यहाँ पर बैचलर इन कॉमर्स और साइंस ऐसे ही बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ग्रेजुएशन करेंगे, देन पीजी करेंगे, उसके बाद बीएड करेंगे, आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो तीनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर ओके है, बेस्ट है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में प्रोफेसर लगता है, वो फिजिक्स का प्रोफेसर सपोज कीजिए, और आर्ट्स पढ़ करके कोई स्टूडेंट प्रोफेसर लगता है हिस्ट्री का, दोनों की सैलरी सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, देन हिस्ट्री के प्रोफेसर की सैलरी भी 1 लाख रुपीज ही होगी। ये सिर्फ आपके माइंड में डाल दिया गया है कि साइंस सबसे ऊपर है, कॉमर्स और आर्ट्स उसके नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स, आपका जहां पर इंटरेस्ट है वो चीज आपको चूज करनी चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।